एक अंक और जुड़ता हुआ बल्लिया के खाते में, 7-7 का स्कोर। सर्विस हो रही है, अच्छी सर्विस। और इस तरह से एक पॉइंट और सीतारपुर के खाते में जुड़ता हुआ। सर्विस के लिए तैयार, अच्छी सर्विस। बैक काउंटर पर उछाली गई है, विमान फिर पापा हो सकता है। और शानदार प्रहार किया है, जबरदस्त आयुष ने, कामयाबी हाथ लगी। एक पॉइंट और 9-7 का स्कोर, अच्छी सर्विस। कामयाबी हाथ लगी, एक पॉइंट और बलिया के खाते में जुड़ता हुआ। 8-9 का स्कोर। एक बार फिर हल्का सा, इस तरह से कामयाबी हाथ लगी है। दोनों टीमों का स्कोर लेवल 9। हाँ भाई सुशील तिवारी साहब अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कर लें। सुशील तिवारी मुबारक हो, सेमीफाइनल का पहला मुकाबला। दोनों टीम के प्रेम अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल तैयार रखें। 12-9 का स्कोर, सर्विस के लिए तैयार लोकेश यादव। ये उलटफेर की है तेतारपुर ने, मैं आपको सर्विस को संभाला, काउंटर को चाली देंगे। ये बातें मौका हो सकता है, हल्का सा ट्रैप चतुराई बराबर दिया था, एक पॉइंट मिला है तेतारपुर को। तेतारपुर का बढ़ना हुआ स्कोर 13-9 का स्कोर। सर्विस के लिए तैयार लोकेश यादव, टाइम आउट लिया गया है बलिया के तरफ से। एक बार फिर भाई देखिए, एक बार फिर सर्विस लोकेश यादव की, अच्छी सर्विस। कामयाबी हाथ लग चुकी है। कुछ नौजवान ऐसे हैं कहते हैं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी मेरे वास्ते ला सकता हूँ, मेरे तो मैं अकेले ही नहीं बोलू। सर्विस के लिए तैयार, शानदार मुकाबला आपके बीच में, दोनों ही बेहतरीन टीमें और तेतारपुर ने उलटफेर किया है। ये हॉस्टल कॉलेज की टीम है, मैं आपको बताऊं 14-11 का स्कोर। तेतारपुर 14-11 का स्कोर। सर्विस लोकेश के द्वारा, और इस तरह से कामयाबी हाथ लग चुके बाहर से उतर का स्कोर। 2 अंकों का फासला है, एक एक कदम पक्के सर्विस के लिए तैयार। और इधर अच्छी सर्विस, हल्का हैंड के लिए था मौका, हो सकता है कि तारपुर के लिए काउंटर में उठाई गई। रेफरी महोदय की निगाहों से बचना बहुत मुश्किल। एक अंकर तेतारपुर के खाते में जुड़ता हुआ, तेतारपुर का बढ़ता हुआ स्कोर 16-16। अच्छी सर्विस, मौका हो सकता है। और इस तरह से कामयाबी हाथ लगी है लोकेश, जिंदगी शौक से जी लेते हैं जीने वाले, कहा देते हैं दोस्तों गांजा हीरोइन के पीने वाले। हल्का सा टॉस, गेंद को संभाल लिया है, मौका हो सकता है। अंदर
कर बैठे और एक पॉइंट मिला है बलिया को 13-17 का। सीतारपुर को जीतने के लिए मात्र 4 अंक चाहिए और बराबरी के लिए 4 अंक चाहिए बलिया को, 1 अंक जो सर्विस होगी बलिया की तरफ से। हल्का सा क्रॉस, गेंद को संभाल लिया है चतुराई भरा क्रॉस और एक पॉइंट सीतारपुर के खाते में जुड़ता हुआ 18-14 का स्कोर। इस मैच के तुरंत बाद मुबारकपुर आसमगढ़ सवरी गाजीपुर दोनों टीम के कप सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल तैयार रहे। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला होगा मुबारकपुर आसमगढ़ सवरी गाजीपुर। बोलो और रामनवल साहब आप अपने स्थान पे बने रहेंगे क्योंकि कुछ ससुर के चक्कर में, कुछ हाल के चक्कर में कितने जमा पड़े हैं ससुराल के चक्कर में। स्कोरर महोदय का मैं हाथ एक बार फिर सर्विस के लिए तैयार। और इस तरह से तैयार संभाल लिया गया और ये है लोकेश यादव। भैया के मिल चुकी है बलिया को और चोट अच्छी सर्विस को संभाला। काउंटर के लिए उछाले गएंगे, मौका हो सकता है बलिया के लिए। और इस तरह से बॉल आउट, एक अंक और लास्ट बॉल होगी सीतारपुर के तरफ से। फाइनल में सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए मात्र 1 अंक चाहिए सीतारपुर को और बराबरी करने के लिए। लिखो लिखो भाई, सीतारपुर ने 21-16 के अंतर से इस मैच को जीत लिया और एक तरह से